अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेथी पराठा की रेसिपी। और अभी सर्दियों में मेथी बहुत ही अच्छी आती है, तो आप इस मेथी पराठे को घर पर ज़रूर बनाइएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने 2 कप ले लिया है गेहूं का आटा और 1.5 कप जितनी ले ली है मेथी। मेथी को मैंने अच्छे से साफ़ करके धो लिया था और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 टेबल स्पून हम लेंगे तेल या घी, 1/2 टीस्पून लेंगे अजवाइन, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 हरी मिर्च और 3 से 4 कली लहसुन को मैंने क्रश कर लिया है, जिसमें इसका बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आएगा। तो अब हम आटे को गूंद लेंगे। तो यहाँ पर हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे आटा, साथ में हम सभी चीज़ें ऐड करते जाएंगे, जैसे अजवाइन, हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया जीरा पाउडर जो हमने क्रश कर लिया था, हरी मिर्च और लहसुन को वो तेल ऐड करेंगे और साथ में ऐड कर देंगे मेथी। हरी मिर्च और लहसुन को जो हमने क्रश किया है, उसका पराठे में बहुत ही अच्छा एक टेस्ट आता है, तो आप इस तरह से ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अब हम मेथी के साथ सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिला लेंगे। हल्का हल्का देखिए मेथी में पानी था तो आटे में मिल चुका है, तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटा को गूंद लेंगे। आटे को हमें ना ज़्यादा पतला गूंदना है और ना ज़्यादा मोटा गूंदना है, मीडियम आटा हमें गूंद लेना है। प्रेस एंड फोल्ड मेथड से हम इसे गूंद लेंगे। और देखिए आटे को मैंने गूंद लिया है, अब हम आटे के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि आटा सूखा ना हो जाए, और 10 मिनट बाद हम इसे लोइया बना लेंगे। तब हम आटे का कुछ हिस्सा लेंगे, आप बड़ा या छोटा अपने हिसाब से आटे को ले सकते हैं, जैसे आप लोइया पसंद करते हैं बड़ी या छोटी वैसी ले सकते हो। ये देखिए 2 टेबलस्पून जितना मैंने आटा लिया था और उसकी अब हम इस तरह से गोल गोल लोइया बना लेंगे। इसी तरह से हमें सभी लोइया बना लेनी है। अब हम सूखा आटा लगा लेंगे और गोल शेप में हम पराठे को बेल लेंगे। 4 से 5 इंच के डायमीटर में हमें पराठे को बेल लेना है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा। अगर आटा चिपकने लगे तो हम इसे हल्का सा थोड़ा सा आटा जो है वो सूखा आटा डस्ट कर लेंगे और फिर से हम इसे बेल लेंगे। तो ये देखिए पराठे को मैंने बेल लिया है। इसी तरह से हमें दूसरे पराठों को भी बेल लेना है। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर शेप में बेल रही हूँ, तो सबसे पहले हमें सूखा आटा लगाकर इसे गोल बेल लेना है। गोल बेलने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा तेल, तो थोड़ा सा हमें तेल लगाकर उसे स्प्रेड कर लेना है और फिर हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और स्क्वायर शेप दे देंगे। हल्के हाथों से प्रेस कर लेंगे और सूखा आटा लगाकर हम इसे स्क्वायर शेप में बेल लेंगे। ये देखिए बेल लिया है मैंने। अब हम इसे बाकी के भी हमें सभी पराठे बेल लेना है, तो अगर आप जिस तरह से पराठे पसंद करते हैं उस तरह से बेलें। तो ये देखिए मैंने सूखा आटा लगाकर इसे थोड़ा सा बेल लिया था गोल शेप में और इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। जब फोल्ड हो जाए तो बीच की तरफ हम इसे प्रेस करेंगे, सारा एयर निकाल लेंगे अंदर से, और प्रेस करते हुए हम फिर से इसके ऊपर सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेंगे, जिस तरह से हम पराठे बनाते हैं। तो आप जैसे पसंद करते हैं वैसे आप बेल सकते हो पराठे को। तो ये देखिए इसे भी मैंने गोल शेप में बेल लिया है। इसी तरह से हम सभी पराठों को बेल लेंगे। अब मैंने एक तवा गरम करने रखा है और तवा गरम होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा घी और पराठे को सेक लेंगे। पराठे पर हल्के से गोल्डन स्पॉट आने तक हमें रखना है, फिर हम इसे टर्न करेंगे। तो कुछ सेकेंड में देखिए इस तरह से मार्क्स आ जाएंगे, गोल्डन मार्क्स। ज़्यादा नहीं आने देना है, तो हम इसे पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे सेकेंगे अच्छे से गोल्डन मार्क्स आने तक।
ये देखिए अभी इसमें अच्छे से गोल्डन मार्क्स आ गए हैं, तो अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे घी। पराठों का असली मज़ा घी के साथ ही होता है, घी से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। तो हम इस पर अच्छे से घी लगा लेंगे और टर्न करेंगे और दूसरी तरफ भी हम घी लगा लेंगे। दोनों तरफ अच्छी तरह से घी लगाने के बाद हम इसे प्रेस करते जाएंगे और अच्छी तरह से पराठे को सेक लेंगे ताकि कहीं से भी पराठा कच्चा ना रहे। ये देखिए कितने अच्छे से पराठा सिक गया है। तो दोनों तरफ से हमें इसे प्रेस करते जाना है और पराठे को अच्छे से सेक लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और बाकी के भी सभी पराठों को हम इसी तरह से सेक लेंगे। तो थोड़ा सा घी लगाना है, हल्के से जब गोल्डन मार्क्स आ जाए तब टर्न कर लेना है। ये देखिए और दूसरी तरफ गोल्डन मार्क्स जब आ जाए तब हम ऊपर से घी लगा लेंगे। घी लगाने के बाद पलट लेंगे और दूसरी तरफ भी घी लगा लेंगे और प्रेस करते जाएंगे और पराठे को अच्छी तरह से सेक लेंगे। तो इसी तरह से हमें सभी पराठों को सेक, ये देखिए तो सभी पराठे हमें इसी तरह से सेक लेना है। और आप इसे सर्व कीजिए अचार के साथ, दही के साथ या फिर हरी चटनी के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।